हरियाणा के लाल रवि दहिया ने कॉमनवेल्थ खेलों में भारत की झोली में एक और मेडल डाल दिया है। बताने में गर्व होता है कि यह मेडल गोल्ड है और तमगे का रंग सुनहरा है। टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान रवि कुमार दहिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स के रेसलिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर हम समस्त देशवासियों को गौरवान्वित किया। फाइनल में उन्होंने नाइजीरिया प्रतिद्वंदी एबी केवेनिमो वेल्सन को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 10-0 से रौंदा। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में रवि बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के सूरज सिंह और पाकिस्तान के असद अली को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। रवि दहिया का जन्म 12 दिसंबर 1997 को हरियाणा के सोनीपत जिले के अंतर्गत नहारी गांव में हुआ था। 57 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में लड़ने वाले भारत के रवि कुमार एक फ्री स्टाइल पहलवान है जिन्होंने 2019 में हुए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा रवि ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर कामयाबी की इबारत लिखी थी और भारत के परचम को शान से लहराया था।